फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सब। एक बार फिर से आप लोगों का स्वागत है मेरे ही चैनल में, आपके ही चैनल में, जिसका नाम है कीर्ति झा किचन। और आज मैं आपको देसी टैको बनाना सिखाऊंगी। मेरा ये जुगाड़ू आइडिया है, तो चलिए स्टार्ट करते हैं। बहुत मजा आएगा आप लोगों को देखने में। मे भी आपको हंसी भी आ सकती है कि मैम क्या क्या दिखाती रहती हैं, लेकिन ये एक देसी है। जब हमारे पास लेफ्ट ओवर चपातीस बच जाती हैं, तो मेरा जो टैको है उसका नाम है पनीर शिमला मिर्च टैको। तो चलिए देखते हैं कि इसमें क्या क्या लगेगा। पनीर शिमला मिर्च के लिए ये पनीर है मेरे पास, होममेड था, कुछ क्यूब्स बचे हुए थे। ये है ग्रीन कैप्सिकम, ये है रेड कैप्सिकम, सब आधा आधा पड़ा था। ये मैंने एक प्याज बारीक काटा है। ये धनिया पत्ता है, बहुत ही कलरफुल बनने वाला है ये। ये है टमाटो सॉस, ये है घी, और टेस्ट को टैंगी करने के लिए ये मिक्स है, बस एक इंट्रोलाइट का है मेयो, और ये सेजवान चटनी है। और ये मेरे पास लेफ्ट ओवर चपातीज है, इसी का मैं यूज करूंगी आज मॉर्निंग में देसी रैप बना के, देसी क्या कहते हैं उसको, टैको बना, ठीक है। और ये है सॉल्ट, ये है सोया सॉस, ये है चिली सॉस। देखिए मैंने उल्टा बोल दिया है, ये है चिली सॉस और ये है सोया सॉस। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, इन सब चीजों का एक अच्छा सा पनीर शिमला मिर्च का मिक्सअप बनाएंगे। देखिए मैंने तवा चढ़ा लिया है, इसमें हम जल्दी से ये घी डाल देंगे। आपको तो पता ही है कि घी गिरना नहीं चाहता है, लेकिन मुझे जबरदस्ती इसको डालना पड़ता है। इसको हम फटाफट थोड़ा सा लेंगे और इसको ऐसे फैला के, और जो हमने ये प्याज डाला था सबको स्टर फ्राई करना है, बहुत ज़्यादा नहीं गलाना है। पहले प्याज को आँच कम ही रखेंगे, सब अच्छे से गर्म कर लीजिएगा, उसके बाद हल्का सा ये हो जाएगा। थोड़ा सा ये थोड़ा सा आँच को मध्यम के लिए और फूल भी कर सकते हैं, फूल कर दीजिए। बस प्याज हल्का सा लाल हो जाए, थोड़ा सा ये शिमला मिर्च भी हल्का सा, देखिए इनके ऐसे स्पॉट्स पड़ने चाहिए। और फ्लेम को जो है वो अपने हिसाब से एडजस्ट करते रहिए। अगर आपको ऐसा लगता है कि प्याज ज़्यादा लाल हो रहा है तो आँच कम कर दीजिए, फ्लेम कम कर दीजिए, फिर थोड़ी सी बढ़ा दीजिए। ये अपने एडजस्टमेंट पे है कि आप कैसे इसको एडजस्ट करें। ठीक है, अभी मैंने आँच को कम कर रखा। अब हम क्या करेंगे, इसमें ये जो हमने पनीर क्यूब्स रखे हुए हैं, अब इसमें हम थोड़ा सा हिला लीजिए पहले इसको, ये देखिए इधर से दिखाती हूँ आपको, थोड़ा सा सोया सॉस लेंगे, थोड़ा सा बहुत ग्रीन चिली लेंगे, थोड़ा सा अगर आपको चटपटा खाना है तो लीजिए, ज़्यादा डाल दीजिए, इट्स ऑल अप टू यू। थोड़ा सा मैं आपको कहना भूल गई, थोड़ा सा काली मिर्च, थोड़ा सा टमाटो सॉस, एंड लिटिल बिट सॉल्ट, क्योंकि हमने इसमें सॉस भी डाला है, तो थोड़ा सा अगर हम कम डालें तो सही रहेगा। और ये जो मैंने कोरिएंडर लीव्स काट के रखी हुई है, आधी मैं इसमें डाल दे रही हूँ। हाँ, एक मैं आपको यहाँ पे टिप देना चाहती हूँ, ये पनीर शिमला मिर्च चाइनीज टच में है,
अगर आप इसको इटालियन टच में देना चाहते हैं तो इसमें हम दो चीज़ों को मिला सकते हैं, अगर आपके घर पे है तो समझ ही गए होंगे आप लोग। वो टेस्ट बच्चों को बहुत पसंद आता है, या तो हम इसमें मिला देंगे या हम जब टैको बनाएंगे, जब उसकी हम रैपिंग करेंगे तो हम उसमें भी डाल सकते हैं। तो मैं आपको करके दिखाऊंगी। तो मैं क्या करती हूँ, थोड़ा सा इटालियन, थोड़ा चाइनीज, थोड़ा देसी टच दे रही हूँ। तो इसमें मैं लिटिल बिट ऑरिगैनो और चिली फ्लेक्स डालूंगी। ये देखिए कितना कलरफुल लग रहा है। ये मैंने पहले ही कहा था कि बड़ा मज़ा आएगा इसमें। तो मैं ऑरिगैनो ढूंढ रही हूँ, वो तो मैंने थोड़ा सा इसमें चिली फ्लेक्स दे दिया है। बच्चे खाएंगे, अगर उनको पसंद है तो दीजिए, उनको पसंद तो होगा ही मेरे ख्याल से। और ये है जो कि ये देखिए एकदम न्यू पैक है, खुल नहीं रहा है। ये देखिए ऑरिगैनो ले लिया है मैंने, दूसरा वाला वो नहीं खुला, थोड़ा सा ही दे दीजिए। तो अब ये हमारा इंडियन चाइनीज इटालियन स्टाइल जो रैप की स्टफिंग है वो तैयार हो गई। अब इसको हम बंद कर देते हैं गैस फटाक से। और अब मैं आपको दिखाती हूँ कि टैको की रैपिंग कैसे होगी। तो चलिए अब स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले हम ग्रिल को ऑन कर देंगे। और ये देखिए रोटी है, इसको हम यहाँ से पॉइंटेड नाइफ से ऐसे काट देंगे। अगर पिज़्ज़ा कटर है आपके पास तो वो भी काम करेगा। ये देखिए हल्का सा और कर दीजिए, ये देखिए हो गया। तो अब हम इस तरफ मेयो लगाएंगे, ये देखिए, ठीक है। इसको हम पूरा ऐसे फैला देंगे। ये सबसे पहले मैं बच्चों के लिए बनाऊंगी, छोटे बच्चों के लिए। तो एक तरफ मेयो और एक तरफ ये टमाटो सॉस। और उसके बाद हम डालेंगे ये हमारा जो रैप की फिलिंग है मल्टी कलर। ठीक है, थोड़ा सा कोरिएंडर लीव्स भी डाल देंगे। बहुत बच्चों को कोरिएंडर लीव्स नहीं पसंद है तो इसी बहाने बच्चे कोरिएंडर लीव्स खा लेंगे। अब देखिए मेरा यहाँ पे ये ग्रिल ऑन हो गया है, इसे मैंने थोड़ा सा घी लगा दिया है इसके बेस पे। अब देखिए मैं रैप कैसे करती हूँ। फर्स्ट रैप बहुत ही आसान है, ये है सेकंड रैप और ये है थर्ड रैप। अब हम इस रैप को इसमें डाल देंगे, हल्का सा ब्रश अप कर देंगे, हल्का सा बस। और इसको ग्रिल के लिए छोड़ देंगे। जब तक ये हो रहा है फटाक से मैं बड़ों के लिए बनाती हूँ। अब ये हम दूसरा वाला रैप करते हैं, देखिए इसको ग्रिल पे। तो चलिए देख लेते हैं, देखिए हमारा तैयार हो गया है। अब इसको भी हम निकाल के पैकिंग दिखाती हूँ आपको। तो ये देखिए मेरा ब्रेकफास्ट रेडी हो गया है। देसी टैको है ये बच्चों के लिए, ये बड़ों के लिए। तो मैं जा रही हूँ ब्रेकफास्ट करने, आइए आप लोग भी ब्रेकफास्ट कर लीजिए।
पसंद आएगा तो जरूर से लाइक करिएगा, कमेंट बॉक्स में जरूर लिखिए, शेयर कीजिए और सब्सक्राइब कीजिए। और एक बात और, बेल नोटिफिकेशन वाला जो है ना बेल आइकन, उसको दबाना मत भूलिएगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग।